भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद के कंडेला गांव में साल 2002 में पुलिस की गोलियों से 9 किसानों के शहीद होने पर कंडेला गांव से चंडीगढ़ तक पदयात्रा निकाली थी। इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता का भरपूर जनसमर्थन हासिल हुआ था। हरियाणा में साल 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटों पर जीत हासिल की थी और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। अब 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के माध्यम से बीजेपी सरकार की 10 साल की विफलताओं और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से प्रदेश के हर वर्ग को जागरूक करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के माध्यम से प्रदेश के हर जिले और हर विधानसभा में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा साफ संकेत दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पदयात्रा में लोगों की भारी भीड़ बयां कर रही है कि दीपेंद्र हरियाणा कांग्रेस के सबसे जनप्रिय नेता हैं। दीपेंद्र की पदयात्रा को कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी सादगी और काम के कारण प्रदेश के हर वर्ग के अजीज बन गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति हरियाणा के लोगों को प्यार जग जाहिर है। हर विधानसभा में हजारों की संख्या में लोग उनके साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा होने के चलते प्रदेश के हर जिले और विधानसभा से लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।